शाह महादिर और आज से इस्लामाबाद स्टूडियोज का इख्तिताब हो गया है। इख्तिताब इन दिस मींस कि यहां से आज से हमारे प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं जो कि वीकली प्रोग्राम है और आप इस प्रोग्राम को देख सकेंगे हर बुध की रात 8 बजे से लेकर 8:30 तक। जनाब हमारा और आपका साथ रहेगा और बहुत सी बातें होंगी और हमारे आज के इस प्रोग्राम का नाम है चाचा जी के चुटकुले। तो आप कह रहे होंगे कि मैं कौन सा चाचा जी हूँ? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं चाचा जी क्योंकि मैंने बुलाया हुआ है और वो रास्ते में ही होंगे और आते होंगे। वो हमारे हैं चाचा लब्बा और वो गांव से आजकल में ही आए हैं शहर में और उनको शहर में आके बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। ऑफ कोर्स कि जब हम गांव से शहर में आते हैं तो हमारे बहुत से एम्स होते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि हम सोच रहे होते हैं कि पता नहीं वहां पर क्या होगा क्या होगा। और मैं आपको बताऊंगी जब गांव से मुहर कोई आता है ना देहाती टाइप इंसान शहर में जब आता है तो वो सोचता है कि मैं शहर में जाऊंगा तो ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है ये कैसे बनी है और ये गाड़ियां जो जा रही है इसमें बंदे बैठे। अच्छा वो बड़े सीरियस है, आप कह रहे होंगे कि मैं किस जमाने की बातें कर रही हूँ। तो वाकई में हमारे चाचा लब्बा जो है वो बहुत ही पुराने जमाने के हैं और आप उनसे मिलने के बहुत खुश होंगे और पता नहीं कहाँ रह गए। सड़क
अलग के मैं उसे उत्तर ना नीचे पहना के लाते खुद ही तक आ वो फिर मेरे से आ मैं कपड़े किसे बोलो मंगे चाचा जी कपड़े तो ठीक है आ मंगे ने कपड़े किसे को किसे बोलो और मेरे अपने से वो पगड़ी जेली का पेंट तो भाई जो वो भी उतर के राशन एक ही सर फटा पाया है किसी ऐसे मैंने उसे खराब चिटा फटा से पीना है और रंगले जगह जा तो फिर से मैं फिर बना अच्छा मैं फिर अच्छा गिर गया मेरे कपड़े फट गए सारा जनाब पता नहीं लगा क्यों है अच्छा मजबूरन मैं ना अखबार पढ़ उन्हें सारे लोग मैंने खिला के रात खबर पढ़ने लग गए मैं कह जान ना शुक्र करा ना कल का अखबार आएगा मेरी जान छुट गई अच्छा अगे मैं देखा तो रुपया मैं ही अगे एक बुढ़ी माई जा रही थी अच्छा उन्हें काफी सारा सामान छुटिया मैं कहने लगता भाई दुकान शिफ्ट किया अच्छा फिर उन्हें मैनू फुला दिता सामान हाजिर होगी तो प्लीज स्टे विद अस।
एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम चाचा जी के चुटकुले में। और जनाब आजकल बारिशों का सिलसिला जारी है, बारिशें जो है मुतवादल हो रही है। पिछले दिनों काफी मौसम चेंज हो गया था, धूप निकल आई थी और जो सर्दी थी उसकी शिद्दत में कमी हो गई थी, लेकिन इस्लामाबाद में जो कल से बल्कि रात से जो बारिश स्टार्ट हो गई है दोबारा से, उसकी वजह से मौसम जो है वो काफी सर्द हो गया है। और चाची जी को मैंने कहा था कि आप जो है वो मोटे कपड़े पहन कर आइएगा, और पता नहीं चाची जी मोटे कपड़े। अच्छा चाची जी मुझे ये बताइए कि ये जो आपने टोपी नहीं पहनी, आपको पता है कि इतनी सर्दी हो गई है, मौसम इतना सर्द हो गया, आप ये कुर्ता वो भी किसी का मांग कर पहन कर आ रही है। अच्छा किसी की छत से ना उड़ कर आया एक दुपट्टा, और पता नहीं किस बीबी का होगा, इन्होंने उठा के कोई ना कोई
अच्छी बात आप तक डिलीवर करें और फिर मैं वहीं पर आऊंगी कि आप कुछ हमारे नाचियों को कुछ सुना दीजिए क्योंकि सेंट्रल मनु बहुत अच्छी ये गाते हैं तो मेरे ख्याल में आप भी सुनेंगे तो आप महसूस होंगे तो कुछ सुना दीजिए चाचा जी 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 सुफने विच मैनू माही मिलिया मैं घर विच पा लिया बावां डर दी मारी अख ना खोला किते फेर पिछड़ ना जावां पाई पाया दा दर्द बढ़ा दे पाई पाया दा दर्द बढ़ा दे पाई पाया दिया बावां तेरे यार हवाले अपने ले यार हवाले रब दे मेरे चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फेर मिलांगे जी जनाब यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा ये सैफ मनु पर हमारे चाचा जी की और भी बहुत सी बातें हैं और भी बहुत से गाने हैं जो पुराने सॉन्ग्स हैं वो भी ये बहुत अच्छे गाते हैं और हम यकीनन हर प्रोग्राम में आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आया करेंगे लेकिन हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये भी होगा कि कोई अच्छी बात हम आप तक पहुँचाएं इस प्रोग्राम के तवसुत से जिसका नाम है चाचा जी के चुटकुले इसके साथ ही अपनी मेजबान शमा आदे को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज।